हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय होम ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है फर्स्ट क्लास का चैप्टर 9 है और फेस्टिवल्स। इसे पिछली क्लास में मैंने आपको एक चैप्टर करवाया था जिसमें मैंने आपको अवर हेल्पर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए थे कि हमारे हेल्पर्स कौन कौन होते हैं और क्या काम करते हैं। आज आपका जो चैप्टर है वो अवर फेस्टिवल्स है। हमारे देश में बहुत तरह तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं, उसमें से कुछ फेस्टिवल्स हैं जो हर साल नई खुशियाँ लेके आते हैं और नई तरीके से उसे मनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के आज का जो टॉपिक है हमारा अवर फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फेस्टिवल आर टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। जो फेस्टिवल जो समय आता है वो क्या लाता है, खुशियाँ लाता है, इंजॉयमेंट लाता है। वी लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल विद अवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम बहुत पसंद करते हैं उस सेलिब्रेट कुछ फंक्शंस फेस्टिवल्स को अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ उसे सेलिब्रेट करने के लिए। ऑन दिस डेज इज इन वी वियर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्वीट्स। क्या करते हैं हम जब भी फेस्टिवल आता है, हम क्या करते हैं, न्यू कपड़े पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स एंड क्या खाते हैं, मिठाइयाँ। कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्वीट्स। वी ऑल्सो ग्रीट अवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम उनसे मिलना भी पसंद करते हैं और उनके घर जाना भी पसंद करते हैं। फेस्टिवल ब्रिंग ऑल पीपल टूगेदर। जो फेस्टिवल जब आता है तो हमारे जो जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उसे हमारे और करीब या निकट पास लेके आता है। उसमें से कौन कौन से फेस्टिवल है जो आज हम रीड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली, गुरुपर्व, ईद एंड क्रिसमस। ये 4 फेस्टिवल्स हैं जो आपके इस चैप्टर में हैं। तो आज हम उसके बारे में जितना भी थोड़ा बहुत होगा वो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा दीपावली। दीपावली में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है, बच्चे। क्यों, उन्हें क्या मिलते हैं, पटाखे जलाने को मिलते हैं, नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं और स्कूल से हॉलिडे मिलता है। ये सारी खुशियाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, बच्चों को। तो देखिए दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। किसका त्यौहार है, लाइट्स का, उजाले का, रोशनी का। ऑन दिस डे इस दिन वी वियर न्यू क्लोथ्स। क्या करते हैं हम, न्यू कपड़े पहनते हैं। एट नाइट, रात को, पीपल डेकोरेट दियर हाउसेज विद कैंडल्स एंड दियास। जो लोग होते हैं वो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, साफ सफाइयाँ करते हैं, उसको सजाते हैं कैंडल्स से, यानी कि मोमबत्ती से, दिया से उसको डेकोरेट करते हैं। चिल्ड्रन इंजॉयड बाय लाइटिंग क्रैकर्स। पटाखों से खुश होते हैं वो लाइटिंग वाले। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी जी की, जो हमारे घर धन की वर्षा करती हैं, उसकी हम पूजा करते हैं कब, दीपावली पे। नेक्स्ट है आपका गुरुपर्व। गुरुपर्व इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। किसका त्यौहार माना जाता है, ये सिख लोगों का। हमारे जैसे कि हिंदू धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 तरह के हमारे आते हैं। तो ये दीपावली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है और गुरुपर्व किसका है, हमारा सिख्स का, सिख का। गुरुपर्व इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। ऑन दिस डे पीपल गो टू गुरुद्वारा एंड प्रे। इस दिन जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं और प्रे करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, तरह तरह के भगवानों के मंदिर होते हैं, माता का मंदिर हो गया या गणेश जी का हो गया, शिव पार्वती का हो गया, लक्ष्मी जी का हो गया, और तरह तरह के जो भगवान जी के मंदिर होते हैं उसी तरह हम क्या होता है इनका, गुरुद्वारा। वहाँ जाके प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। दे रीड द होली बुक, यानी कि बुक पढ़ते हैं उनकी गुरु ग्रंथ साहिब। जैसे हमारी रामायण महाभारत होती है उसी तरह इनका क्या, कौन सी होली बुक होती है, गुरुपर्व, गुरु ग्रंथ साहिब। दे आल्सो ऑर्गेनाइज लंगर। गुरुद्वारे में क्या मिलता है, लंगर। लंगर जहाँ पर लोगों को बिठा के एक साथ उनको खाना भोजन कराया जाता है। आगे है नेक्स्ट आपका ईद, तो उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ईद। ईद किसका त्योहार है, मोमडंस का, हिंदी में मुस्लिम लोगों का। तो देखिए इसे इसे करते हैं, ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग
कॉल्ड रमजान। ठीक है, ईद कब सेलिब्रेट किया था? आफ्टर अ मंथ, यानी कि लगभग मोस्टली एक मंथ के लिए होता है। और फास्टिंग व्रत जिसमें फास्ट रखा जाता है क्या कहलाता है? वो रमजान। पीपल गो टू मस्जिद एंड प्रे। आफ्टर द प्रेयर दे विश ईच अदर, एक दूसरे को विश करते हैं क्या? ईद मुबारक। अ स्पेशल डिश सेवैया इज कुक्ड ऑन दिस डे। इस दिन स्पेशल डिश में क्या होता है? सेवैया होता है। किसका त्योहार होता है ये? मोमडंस का। एक महीने का होता है, मोस्टली फास्ट रखते हैं, जो क्या कहलाता है हमारा? रमजान। पीपल जाते हैं उस पे चर्च मस्जिद मॉस्क्यू एंड प्रे, प्रार्थना करते हैं। आफ्टर द प्रेयर, प्रेयर करने के बाद दे विश ईच अदर, वो एक दूसरे को, भाई बंधु जो होते हैं एक दूसरे को विश करते हैं क्या? ईद मुबारक। इस दिन स्पेशल डिश क्या बनती है हमारी? सेवैयां। नेक्स्ट है आपका क्रिसमस। क्रिसमस कब आता है हमारा? 25 दिसंबर। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। सर्दियों में आता है ये एवरी ईयर, हर साल एक ही दिन एक ही डे पे। ईयर इट इज द पर डे बर्थडे ऑफ जीजस। ऑन दिस डे पीपल गो टू चर्च। कहाँ जाते हैं? चर्च। जैसे गुरु पर्व सिख का होता है, वैसे ही ये क्रिश्चियंस का होता है। वहां गुरु पर्व में कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा। और होली बुक कौन से पढ़ते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। वैसे ही यहाँ पर जो क्रिसमस में आते हैं क्रिश्चियन लोग होते हैं, वो जीसस की पूजा करते हैं, उनका उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे पीपल गो टू चर्च टू प्रे, प्रार्थना करने के लिए। दे डेकोरेट ट्री, क्रिसमस ट्री। विथ कलर्ड लाइट stars and gifts. Children wait for Santa. जो बच्चे होते हैं किसका इंतजार करते हैं? Wait for Santa Claus. To bring gift for them. Next है आपका क्रिसमस
क्रिसमस कौन सेलिब्रेट करता है? क्रिश्चियन लोग। कौन से डे मनाया जाता है? 25 दिसंबर एवरी ईयर। इस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? जीसस क्रिस्ट का। और कहाँ जाते हैं? चर्च जाते हैं। किस लिए जाते हैं? प्रे करने जाते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री विथ कलर लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट से। और चिल्ड्रन वेट करते हैं सेंटा क्लॉज का, किसके लिए? टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम, कि वो उनके लिए क्या लाएगा? गिफ्ट लाएगा। तो कुछ राइट रॉन्ग्स हैं वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो जितना भी मैंने आपको ये चारों आपको फेस्टिवल्स बताए हैं उससे रिलेटेड कुछ ट्रिक मार्क क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका टिक राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दीपावली पीपल वर्शिप, वर्शिप माने पूजा। किसकी पूजा करते हैं दीपावली में? फर्स्ट गॉडेस भगवान माता रानी दुर्गा की, गॉडेस लक्ष्मी, या गॉडेस सरस्वती की। किसकी पूजा होती है दीपावली पे? गॉडेस लक्ष्मी जी की। सेकंड है सेवैया इज कुक्ड ऑन द डे ऑफ, कब बनाई जाती है सेवैया? ईद पे, गुरु पर्व या क्रिसमस पे। तो स्टूडेंट्स जो ईद है उस पे सेवैया होती है, मोमडंस का त्योहार होता है ये। नेक्स्ट थर्ड है ऑन क्रिसमस पीपल गो टू, क्रिसमस पे लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्को यानी कि मस्जिद, चर्च या टेंपल मंदिर। कहाँ जाते हैं क्रिसमस पे? चर्च। तो स्टूडेंट्स ये था आपके टाइप टिक मार्क वाले ट्रू फॉल्स या राइट रॉन्ग समझ लीजिए। तो अवर फेस्टिवल्स में इतना ही है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।